हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ फ्लैक्स सीड्स को आप कैसे यूज़ करो हेयर ग्रोथ के लिए। यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, पतले हो गए हैं, झड़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं, तो आप यूज़ करिए फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के दाने। इनका हम एक हेयर जेल बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको हेयर जेल बनाना सिखाऊंगी। इसमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं हमारे बालों को बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ आप देखना, साथ ही इसको लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेयर जेल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बोल लेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं हमारे बालों के लिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हेयर लॉस और हेयर थिनिंग को कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि ड्राई स्कैल्प को भी ठीक करता है ये। और इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलेनियम, कॉपर होता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है, बाल थिक होते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट आप इसी में ऐड करोगे 1 चम्मच मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना भी बहुत ही अच्छा रिसोर्स है प्रोटीन और आयरन का, और इसमें निकोटिनिक एसिड पाया जाता है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, बालों का झड़ना भी रोकता है। इसके बाद इसी बोल में आप ऐड करोगे 2 टी कप पानी। प्लेन पानी आपको इसमें डालना है, क्योंकि पानी में ही डाल के इसका जेल प्रिपेयर होगा। अब इसको आप मिक्स कर लीजिए स्पून की हेल्प से, और अब इस बोल को आप रख दीजिए फ्लेम पे। इसको आप मीडियम फ्लेम पे बॉईल करोगे अच्छी तरीके से। इसको आप स्पून की हेल्प से चलाते रहिए, क्योंकि ये सीड्स जो हैं नीचे बॉटम में इस तरह से बैठ जाते हैं। आप देखेंगे 1 मिनट के बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरीके से आपके सारे इंग्रेडिएंट और वाटर नज़र आएगा। तो 1 मिनट बॉइलिंग हो गई है, अभी हमें बॉइलिंग तब तक करनी है जब तक ये वाटर जेल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे पानी गाढ़ा हो गया है, जेल जैसा बन गया है इस तरीके का, और फिर आप फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको 3-4 मिनट या 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दीजिए। इसके बाद आप एक बोल और एक स्ट्रेनर यानी छलनी लेंगे, और इस जेल को हम छानेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो हम अपने बालों में इसको नहीं लगा सकते हैं। तो छलनी की मदद से भी आप छान सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अगर आप चाहें तो पतला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं दिखा रही हूँ, मैंने उसे भी इस्तेमाल करा है, उससे भी जेल बहुत अच्छी तरीके से निकल आता है। तो जेल को स्क्वीज़ करके निकाल लीजिए। दोस्तों, जेल को हम इस तरीके से निकालेंगे, और जेल इस तरीके का दिखाई देना चाहिए जब आप बनाओ, और जो इसमें इंग्रेडिएंट बच गए हैं इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि इसका हम फेस पैक बनाएंगे। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगी इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो एज अ फेस पैक, तो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि कैस्टर ऑयल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बालों को थिक करने के लिए। तो ये तो मेरा फेवरेट है, अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है 2 विटामिन ई के कैप्सूल। इनको आप ओपन कर लीजिए और इनका जेल इसी में आप डाल लीजिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से डालेंगे। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी, अब ये इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और सारे जब मिक्स नहीं होंगे तो लगाने का फ़ायदा क्या है। तो इसके लिए हमको इनको करना पड़ेगा ब्लेंड। या तो आप मिक्सी में डाल के हल्का सा इसको चला लीजिए, या फिर ब्लेंडर से आप इसको जब मिक्स करोगे, ब्लेंड करोगे, तो इस तरीके का ये बन जाएगा। दोस्तों, इस हेयर जेल को आप किसी भी ग्लास जार में जो एयर टाइट हो उसमें स्टोर करके रख सकते हैं 6 से 7 दिन के लिए फ्रिज में, और इसको यूज़ करिए जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। इस हेयर जेल को आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई करोगे अच्छी तरीके से, पार्टीशन करते हुए, जिससे कि पूरे स्कैल्प पे ये लग सके और इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके बालों में जा सकें, बालों की जड़ों में जा सकें, जिससे वो मजबूत बने। तो इस तरीके से स्कैल्प पे आप अप्लाई कर लो अच्छी तरीके से। Thank you.
और पूरी स्कैल्प पे लगाने के बाद हल्का सा एक दो मिनट का आप बस मसाज दे दो फिंगर टिप की हेल्प से। बाल टूटने नहीं चाहिए, बहुत जेंटली आपको करना है। और फिर इसको आप छोड़ दीजिए कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। 30-40 मिनट के बाद आप अपने बालों को पहले पानी से धो लीजिए, फिर शैम्पू कर लीजिए। दोस्तों, अच्छे फायदे के लिए इस हेयर जेल को कम से कम आप 3 से 4 हफ्ते रेगुलरली लगाइए। एक दिन छोड़ के आप इसको अप्लाई करिए और फिर पानी से धो के शैम्पू कर लीजिए, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और कमेंट करके बताना कौन कौन इसे यूज़ करने वाला है, और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल जिससे कि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।